हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अब से जो लेक्चर्स होंगे काफ़ी अब जल्दी जल्दी आएंगे, क्योंकि मेरा भी टारगेट है कि अप्रॉक्स 15 to 20 फरवरी तक मैं मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म कर दूँ। सो अब क्विकली क्विकली जल्दी जल्दी आएंगे वीडियोस, ठीक है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, 9th चैप्टर को। इसमें अब है दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी इन 1875 में बॉम्बे में, लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे से चेंज करके ट्रांसफर कर दिया जाता है लाहौर में, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी सत्य प्रकाश, जिसमें इनके जो विचार थे या जी इनकी जो आइडियोलॉजी थी उसको लिखा गया है, ठीक है। तो इनके आइडियोलॉजी जो थी, ये आप देखेंगे यहाँ पर कि आर्य समाज की आइडियोलॉजी थी, ये सब इनकी आइडियोलॉजी लिखी गई है। तो ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई थी। जो आर्य समाज था, इसके 10 प्रिंसिपल्स थे, यानी कि आइडियोलॉजी जिसके बेसिस पर ये काम करती थी। गॉड इज प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा कि जितने भी नॉलेज हैं, अच्छी नॉलेज, ट्रू नॉलेज, उनका सारा का सारा सोर्स क्या है? गॉड है। गॉड एज ऑल ट्रूथ, जो ईश्वर है वही सत्य है। ऑल नॉलेज, वही सारा ज्ञान है। अलमाइटी, वही सर्वेश्वर है। इमोर्टल है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, नष्ट, ठीक है, नश्वर नहीं है। क्रिएटर ऑफ ऑल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का वो क्रिएटर है, बनाने वाला है। इस एलोन वर्दी ऑफ वर्शिप, और इसलिए अकेला भगवान ही जो है, गॉड ही जो है, वो वर्शिप यानी कि पूजा करने योग्य है, ठीक है, या उसका पूजा करना चाहिए। वेदास आर बुक्स ऑफ ट्रू नॉलेज, ठीक है। तो वेदा जो है, वेद जो चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, तो इनको कहा कि ये जो वेद हैं यही ट्रू नॉलेज के सोर्स हैं। लेकिन वेद के बाद जितनी चीजें लिखी गई हैं उनको इन्होंने नकार दिया, ठीक है। अब देखेंगे कि इन्होंने एक स्लोगन दिया था जिसका नाम था बैक टू द वेदास। बैक टू द वेदास का मतलब ये है कि जो वेदास, वेद में लिखी हुई चीजें हैं, लिखी हुई बातें हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोबारा उन सारी चीज़ों को, जो वैदिक टाइम पे चीज़ें थी, उन सारी की सारी चीज़ों को हम ला के यहाँ पर रखते हैं, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये था कि जो वेद में लिखी हुई चीज़ें हैं, बातें हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो बैक टू वेदास, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि आर्य शुड ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट ट्रूथ एंड अबंडन अनट्रूथ। आर्य कौन होते हैं? जो इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं, इनको हम आर्य कहते हैं। वैसे ओरिजिनली ये वो लोग थे, जब आप देखेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के बाद जो लोग आते हैं वो अपने आप को आर्य कहते हैं, यानी कि ऋग्वेदिक के टाइम पे। बाद में ये धीरे धीरे पूरा जो आप रेस कहें ये मिक्स हो गया, आज हम अपने आप को आर्य ही कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब, हम हिंदुस्तान के लोग जो है, ये हमेशा ट्रूथ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होना चाहिए, और जो अनट्रूथ है उसको छोड़ देना चाहिए। धर्म शुड बी द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल एक्शंस, हमारे जितने भी कार्य होने चाहिए, यानी कि हमारा कर्म, ये हमारे धर्म के अनुसार होना चाहिए। तो धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब क्या सही और क्या गलत है? अब एक चीज किसी के लिए सही हो सकती है, और वही चीज दूसरे सिचुएशन में किसी के लिए गलत भी हो सकती है, ठीक है। धर्म का मतलब क्या हुआ, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समय पर ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो धर्म को सिचुएशन के अकॉर्डिंग और पर्सन टू पर्सन के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया जाता है, इसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, ठीक। तो देखिए, कहने का मतलब है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई एक मरता हुआ इंसान है, ठीक है। एग्जांपल थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मरता हुआ इंसान है, उसको जरूरत है आपकी, ठीक है। अब वही आपके गांव में कुछ चोर घुस आते हैं, वो लूटपाट करते हैं, तो आप अकेले हैं। उस मरते हुए इंसान की देखभाल भी करना आपके लिए जरूरी है, और आप इतने भी कैपेबल हैं कि अपने गांव को लूटने से बचा सकते हैं,
एट द सेम टाइम। तो इन दोनों सिचुएशन पे आप कौन सा काम कीजिएगा? आपका धर्म क्या है? वैसे आपका दोनों धर्म है कि आप इधर जो इंसान मरता हुआ है उसकी सेवा करें अंतिम समय में, और उधर जो ये सब लूटपाट चल रही है, क्रियाएं चल रही है, इस तरीके से गलत चीजें, उसको भी आप रोकें। धर्म दोनों है आपका, लेकिन उस कंडीशन में सबसे बेहतर आपको क्या करना चाहिए, ये आपका धर्म है। अब हो सकता है आपको लगता है कि उस बूढ़े इंसान की सेवा करनी चाहिए, या आपको लगता है कि हमें अपने गांव को बचाना चाहिए, ठीक है। अगर आप इन दोनों में से कोई भी चुनते हैं तो वो गलत नहीं है, ठीक है। तो धर्म का मतलब ये होता है कि एट द सेम टाइम जो सिचुएशन या कंडीशन क्रिएट होती है उसके समय आप क्या सही और क्या गलत सोचते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफरेंट होता है, ठीक है। तो टू प्रमोट वर्ल्ड्स वेल बीइंग इन द मटेरियल, स्पिरिचुअल एंड सोशल सेंस। मटेरियल मतलब जैसे भौतिक चीजें, जैसे ऐशो आराम की चीजें आजकल जैसे बढ़ रही हैं, ये मटेरियलिस्टिक चीजें हो गई। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, साथ ही साथ जो सोशल बेस होता है, यानी कि सोशल काम करना, लोगों की सेवा करना, जो सोशल इल्स हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, उनको कम करना, ठीक है, इन सब चीजों को प्रमोट करना। साथ ही साथ एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड विद लव एंड जस्टिस, प्यार मोहम्मत और न्याय के साथ सभी के साथ हमें ट्रीट करना चाहिए। इग्नोरेंस इज टू बी डिसिप्लिन्ड एंड नॉलेज इंक्रीज्ड। इग्नोरेंस जो है मतलब नजरअंदाज करना, ये चीज हमें छोड़नी चाहिए और नॉलेज को इंक्रीज करना चाहिए। फिर देखिए, वंस ओन प्रोग्रेस शुड डिपेंड ऑन अपलिफ्ट ऑफ ऑल अदर्स। दूसरे की जो अपलिफ्टमेंट है, या दूसरे का डेवलपमेंट, दूसरे के विकास में ही अपना विकास है, ठीक है। सोशल वेलबींग ऑफ मैनकाइंड इज टू बी प्लेस्ड एवर माइन इंडिविजुअल वेलबींग। इसका मतलब हुआ हमें खुद के बारे में सोचने से ज्यादा हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ 10 प्रिंसिपल हैं जिनके बेसिस पर आपको ये आर्य समाज काम करता है। इसके अलावा जो दयानंद सरस्वती थे, इनकी और आइडियोलॉजीज हैं, जैसे कि इंटरकास्ट मैरिजेस को सपोर्ट करते थे, विडो रीमैरिजेस को सपोर्ट करते थे। फिर देखेंगे इन्होंने जो हमारे वेद के बाद चीजें लिखी गई उनको इन्होंने क्रिटिसाइज किया। ही क्रिटिसाइज लेटर हिंदू स्क्रिप्चर सच एज द पुराण्स एंड द इग्नोरेंट प्रिस्ट ऑफ द परवर्टिंग हिंदुज्म, ठीक है। जितने भी पुराण वगैरह लिखे गए, यानी कि जो वेद के बाद चीजें लिखी गई, उनको इन्होंने क्रिटिसाइज किया, क्योंकि कि इन सब चीजों में बहुत ही ऑर्थोडॉक्स चीजें लिखी गई हैं। बाद में जैसे धीरे धीरे हमारी सोसाइटी खराब होती चली गई, सोशल इल्स यानी सामाजिक बुराइयां उनमें आती चली गई, ये सारी चीजें इनमें लिखी हुई थी, और ये लोग उन सारी चीजों को सपोर्ट करने लगे जो वेद के बाद लिखी गई, खास करके ऋग वेद के बाद जो लिखी गई, ठीक है। तो इसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया। साथ ही साथ ही जो प्रिस्टली क्लास होता था, जिसका डोमिनेंस हुआ करता था, इसको भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया। ही क्रिटिसाइज माया, मोह माया जिसे हम कहते हैं हिंदी में। तो माया किसी लिविंग थिंग्स के लिए भी हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हो सकती है। लिविंग थिंग्स जैसे हमारे की फैमिली मेंबर्स होते हैं, दोस्त होते हैं, जो भी आपके करीबी हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी होती है, आजकल मेटेरियलिस्टिक जमाना है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारी कुछ अट्रैक्शंस होते हैं, मोह माया होती है, इल्यूजन्स होते हैं। एंड एम शुड बी मोक्षा, मोक्ष सॉल्वेशन, ठीक है। He said that God, soul and matter, God, soul, soul मतलब आत्मा, matter मतलब प्रकृति, ये तीनों चीजें जो हैं ये distinct है, ये अलग अलग हैं, ठीक है। Distinct है, अलग अलग है और eternal है, ठीक। अब देखिए, इस तरीके के statement आ सकते हैं कि ये तीनों चीजें दयानंद सरस्वती के अनुसार ये तीनों चीजें एक हैं, इस तरीके स्टेटमेंट आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या है? डिस्टिंक्ट है, ये अलग अलग चीजें हैं, ओके। एंड ही बिलीव्ड इन कर्म एंड रीइंकार्नेशन, साथ ही साथ ये मैंने बता दिया। फिर उसके बाद चतुर्वर्ण सिस्टम। अभी चतुर्वर्ण सिस्टम जो था, जो चार वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय और शुद्ध और वैश्य, तो वैश्य और शूद्र एक्चुअली ऑर्डर में,
ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इसको चतुर्भुवन सिस्टम को सपोर्ट किया, लेकिन इनका कहना यह था कि जो कास्ट होते हैं, चतुर्वर्ण सिस्टम क्या था, एक कास्ट ही था, तो ये कास्ट जो होते हैं ये बर्थ के बेसिस पर नहीं होने चाहिए, ये ऑक्यूपेशन के बेसिस पर होने चाहिए, ये इंसान की जो एबिलिटी है ये उसके बेसिस पर होना चाहिए, बर्थ के बेसिस पर कास्ट डिसाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इन्होंने चतुर्वर्ण सिस्टम को सपोर्ट किया, इन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इनके बारे में और भी कुछ चीजें हैं, हम उनको भी देख लेते हैं, चलिए आगे देखते हैं। समाज जो था, यानी कि जो आर्य समाज था, इसने लड़के और लड़कियों के लिए की शादी के लिए अलग अलग एज फिक्स किए थे। जैसे इन्होंने लड़कों की शादी के लिए मिनिमम एज 25 इयर्स रखी और लड़कियों की शादी के लिए 16 इयर्स इन्होंने मिनिमम एज रखी। इसके अलावा दयानंद जो सरस्वती थे उन्होंने कहा कि जो हिंदू रेस है, यानी कि जो हिंदू है, इनको चिल्ड्रन ऑफ चिल्ड्रन कहा गया, ठीक है। इस समाज ने डीएवी स्कूल, इसको जानते होंगे, इसका फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1886 में लाहौर में। आज इंडिया के कई शहरों में आपको डीएवी देखने को मिलेगा, अप्रोक्स सभी शहरों में आपको ये देखने को मिलेगा। इन्होंने एक शुद्धि मूवमेंट चलाया था, शुद्धि मूवमेंट मतलब प्यूरिफिकेशन, यानी कि जो हिंदू क्रिश्चियनिटी में या फिर क्रिश्चियन बन गए हैं या फिर वो इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया है, तो उनको दोबारा हिंदू धर्म में लाने के लिए इन्होंने ये शुद्धि मूवमेंट यानी कि प्यूरिफिकेशन मूवमेंट चलाया था, ठीक है। तो ये हो गया आर्य समाज और दयानंद सरस्वती के बारे में। इसके बाद देखते हैं देव समाज। देव समाज को 1887 में भाई शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा फाउंड किया गया था। इनका इंफेसिस किस पर रहता था, इटर्निटी ऑफ सोल यानी कि आत्मा, एंड सुप्रीमेसी ऑफ गुरु, गुरु सुप्रीम है यानी कि वो सर्वोच्च है। साथ ही साथ कुछ और भी चीजें हैं, नॉट एक्सेप्टिंग ब्राइब, ब्राइब नहीं लेना यानी घूस नहीं लेना है, या फिर अवॉइडिंग इंटॉक्सिकेंट्स, ठीक है, जैसे कि नशीली दवाइयां होती है, फिर नशीले जो पेय पदार्थ होते हैं इनका सेवन नहीं करना, साथ ही साथ नॉनवेज का सेवन नहीं करना, जो मांस इत्यादि चीजें होती हैं, साथ ही साथ वायलेंट एक्शन नहीं करना, और इन ये चाइल्ड मैरिज के भी अगेंस्ट थे। इनकी एक बुक आती है जिसका नाम है देवशास्त्र। तो देवशास्त्र में देव समाज की जो आइडियोलॉजी रही है, प्रिंसिपल रही है, उन चीजों को देवशास्त्र में लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद है धर्मसभा, ये हुआ था 1830 में भाई राधाकांत देव के द्वारा। ये एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी का मतलब ये जो ट्रेडिशनल और पुरानी चीजें थी ये उनको इस्टेब्लिश करना चाहते थे। इन्होंने सती सिस्टम को सपोर्ट किया, कहा कि सती सिस्टम होना चाहिए, लेकिन इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट किया, खास करके लड़कियों के लिए भी, यानी कि लड़कियों को भी वेस्टर्न एजुकेशन मिलना चाहिए। उसके बाद आता है भारत धर्म महामंडल, ये भी एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी रहती है। ये तीन सोसाइटी से मिलकर बनता है, एक है सनातन धर्म सभा, धर्म महापरिषद जो कि साउथ इंडिया में रहता है, एक है धर्म महामंडली। ये तीन ऑर्गेनाइजेशन है, ये बंगाल में रहता है। ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन को मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जिसको भारत धर्म महामंडल कहा जाता है, BDM मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। ये बनाया जाता है 1902 में, जिसका हेडक्वार्टर रहता है वाराणसी में, और इसके एक इम्पॉर्टेंट लीडर रहते हैं या मेंबर रहते हैं जिनका नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय, ठीक है। और ये तीनों जो सोसाइटी है, तीनों ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है, और तीनों को मिला के एक बनाया जाता है BDM मैंने की भारत धर्म महामंडल। इसके बाद देखते हैं राधा स्वामी मूवमेंट। राधा स्वामी मूवमेंट 1861 में शुरू होता है। इसको शुरू करने वाले थे तुलसीराम, जिनको शिव दयाल साहब के नाम से भी जाना जाता था। ये आगरा में एक बैंकर थे, ठीक है। अब इनकी बातें क्या थी, इन्होंने वन सुप्रीम बीइंग यानी कि एक गॉड की बात की, कि एक गॉड होना चाहिए जो सुप्रीम है, सुप्रीमेसी ऑफ गुरु, जो गुरु है यानी जो शिक्षक है उनकी सुप्रीमेसी, साथ ही साथ सत्संग। सत्संग का मतलब होता है अच्छे लोगों की संगति, ठीक है। उन्होंने कहा कि सत्संग होना चाहिए, अच्छे अच्छे लोगों की संगति होनी चाहिए, साथ ही डज नॉट कॉल फॉर इनिशिएशन ऑफ द वर्ल्डली लाइफ। इन्होंने ये कहा कि ये जो संसार है
ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देना है, हमें संन्यास ग्रहण कर लेना है, ऐसा नहीं है। हमें इसी संसार में रह के हमें ये सारे काम करने हैं। इसलिए हमें क्या करना है, नॉट कॉल फॉर द इनिशिएशन ऑफ द वर्ल्डली लाइफ। इस संसार को छोड़ना नहीं है, त्यागना नहीं है, ठीक है। नॉट बिलीव इन टेम्पल्स, श्राइन्स या सेक्रेट प्लेसेस, जो पवित्र जगह होती हैं, इन सब चीजों में ये विश्वास नहीं रखते थे। अब देखते हैं जस्टिस मूवमेंट। ये जस्टिस मूवमेंट मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरू होता है। इसको शुरू करने वाले तीन लोग थे, शीएन मुदलियार, टीएम नायर, एनपी त्यागराज, ठीक है। एक्चुअली ये एक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था। इन्होंने सपोर्ट किया कि जो लो कास्ट के लोग हैं, यानी कि जो नन ब्राह्मण लोग हैं, उनको भी जॉब में पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, साथ ही साथ जो लेजिस्लेचर है वहां पर भी इनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसी बेसिस पे इन्होंने 1917 में एक मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। इसके बाद देखते हैं वोकल लीगा संघ। वोकल लीगा संघ ये मैसूर में 1905 में स्टार्ट किया गया था। ये भी एक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था, ठीक है। इसके बाद और चीजें हैं उनको भी देखते हैं। नेक्स्ट, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट। इसको स्टैब्लिश करने वाले थे जिनका नाम था श्री नारायण गुरु, ठीक है। ये क्या थे, ये इजवास एक कास्ट हुआ करता था केरला में, जिसे ये बिलोंग करते थे। और ये कास्ट जो था ये लो कास्ट वहां पर कंसिडर किया जाता था, और मेनली ये खेती करने वाले लोग थे, एग्रीकल्चर करने वाले लोग थे। इनको यहाँ पर अनटचेबल माना जाता था, ठीक है। और इसलिए इन्हें मंदिरों में एंट्री इनके अलाउ नहीं थी, साथ ही साथ इनके लिए एजुकेशन भी अलाउ नहीं था, ठीक है। तो इन्हीं के लिए श्री नारायण गुरु ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। इनका कहना था कि ऑल रिलीजन्स टू बी द सेम, सारे रिलीजन जो है वो सेम है, एंड कंडेम्ड एनिमल सेक्रीफाइस। और इन्होंने ये भी कहा कि एनिमल सेक्रीफाइस यानी कि जानवरों को नहीं मारना चाहिए। इन्होंने इजवास जो कास्ट था उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ इश्यूज थे जिस पर इन्होंने डिमांड शुरू किया, जैसे कि राइट टू एडमिशन टू पब्लिक स्कूल, जो सरकारी स्कूल हैं उसमें एडमिशन होना चाहिए इनका, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वहाँ पर भी इनको जॉब मिलनी चाहिए, और टेम्पल में एंट्री और रोड पर चलना भी इनको अलाउ होना चाहिए, मतलब रोड पर भी चलना अलाउ नहीं था। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उसमें इनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो ये कुछ फोर इंपॉर्टेंट डिमांड्स थे जो किया गया श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन मूवमेंट के द्वारा। इसके अलावा देखते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ये मिड 1920 में स्टार्ट हुआ था। इसको स्टार्ट करने वाले थे ईमी रामाशर्मा नायकर, ठीक है। ये भी एक एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था, ठीक है, यानी कि ब्राह्मण्स की जो डोमिनेंस थी उसके खिलाफ था ये। इसके बाद टेम्पल एंट्री मूवमेंट, ये मेनली स्टार्ट होता है ट्रावनकोर के महाराजा के साथ, जब उनसे डिमांड किया जाता है टेम्पल एंट्री के लिए, जो लो कास्ट के लोग थे उनके द्वारा, ठीक है। तो केरला में स्टार्ट होता है। इसको स्टार्ट करने वाले थे 1924 में, जिनका नाम है केपी केशवा। तो इन्होंने जो मूवमेंट स्टार्ट किया था, और उस मूवमेंट को स्टार्ट किया वाइकुम सत्याग्रह के थ्रू, ठीक है। डिमांड क्या किया, डिमांडिंग थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू टेम्पल्स एंड रोड्स टू अनटचेबल्स, यानी कि हिंदू जो टेम्पल्स हैं उनमें सभी हिंदुओं को एंट्री हो, साथ ही साथ रोड पर भी चलना, इन जो अनटचेबल्स हैं उनको अलाउ किया जाए। तो इसके वजह में देखते हैं कि जो महात्मा गांधी थे, इनके विजिट भी होता है आपको केरला में, और उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट भी किया। इसके कुछ लीडर्स हैं जैसे कि केपी केलप्पन, सुब्रमण्यम तिरुमांबू, उसके बाद पी कृष्णा पिल्लई, ए के गोपालन, ठीक है। फिर देखेंगे 12 नवंबर 1936 में जो ट्रावनकोर के राजा थे उन्होंने ग्रांट कर दिया कि सभी हिंदू जो हैं वो टेम्पल में जा सकते हैं, खासकर कि जो गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल है, यानी कि जो राजा के द्वारा बनाई गई है वहां पर उस टेम्पल में वो जा सकते हैं सभी लोग, ठीक है। इसके बाद होता है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। इसको स्टार्ट करने वाले दो लोग थे, एक है एम जी रनाडे यानी कि महादेव गोविंद रनाडे, और दूसरे जो है उनका नाम है रघुनाथ राव, ठीक है। इसका फर्स्ट सेशन होता है 1887 में मद्रास में, सेम एच आई एन सी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी जो सेशन होता है वो 1887 में मद्रास में ही होता है, ठीक है।
इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट किया, पॉलीगैमी के खिलाफ यानी कि एक से ज़्यादा जो शादियाँ होती है उसके खिलाफ इन्होंने बात की, साथ ही साथ एक प्लीज मूवमेंट चलाया अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। तो प्लीज मूवमेंट में क्या था, इसमें ये था कि जो वॉलंटियर्स होंगे वो लोगों को जाके समझाएंगे कि आपको चाइल्ड मैरिज नहीं करना चाहिए, आपके जो बच्चे हैं जो अभी छोटे हैं उनकी शादी नहीं करनी चाहिए आपको, ठीक है। तो उनको तैयार करना, उनको मनाना इस प्लीज मूवमेंट में था, उनके घर वालों को या फिर जो भी उनके गार्जियंस हैं उनको, ठीक है। तो ये प्लीज मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया। इसके बाद वहाबी और वली उल्लाह मूवमेंट होता है, इसमें ये है कि आप देखेंगे टीचिंग्स ऑफ अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया, अरब के एक अब्दुल वहाब थे साथ ही साथ एक शाह वली उल्लाह थे, इन लोगों की जो टीचिंग थी या फिर जो प्रेयर थे यानी कि इनकी जो बातें थी, इनकी वजह से इंडिया में भी जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं वो इंस्पायर होते हैं एंड अगेंस्ट वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस यानी कि पश्चिमी सभ्यता का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, इसकी वजह से इन्हें लगा कि इस्लाम धर्म जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है, वो डिट्रियोट हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से इन्होंने इस्लाम धर्म की प्योरिफिकेशन के लिए, उसने अपने पुराने रीति रिवाज में दोबारा लाने के लिए इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ये कहा कि इंडिया जो है वो दार अल हर्ब है, दार अल हर्ब मतलब लैंड ऑफ काफिर, काफिर इज आई थिंक इट इज अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इंडिया जो है ये एक लैंड ऑफ काफिर है, इसको हमें बदलना है लैंड ऑफ इस्लाम में, यानी कि दारुल इस्लाम में बदलना है, ठीक है। इनिशियली ये जो मूवमेंट था ये सिखों के खिलाफ था पंजाब में, लेकिन जब पंजाब 1849 में पूरी तरीके से ब्रिटिश के कंट्रोल में हो गया तब ये मूवमेंट सिखों के खिलाफ से चेंज होके ब्रिटिश के खिलाफ होने लगा, ठीक है। तो ये था वहाबी वली उल्लाह मूवमेंट, जो इस्लाम धर्म की जो पुरानी ट्रेडिशंस थी उनको इस्टेब्लिश करने के लिए और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, हटाने के लिए ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इस चैप्टर में अभी और है लेकिन फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर क्या, सेम चैप्टर ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।